हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में कल हमने आपको बहुलक के बारे में बताया था। बहुलक वह होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है। तो कभी भी वर्गीकृत बारंबारता बंटन में बहुलक निकालना हो तो सबसे पहले सबसे बड़ी बारंबारता देखो, और सबसे बड़ी बारंबारता वाला वर्ग ही बहुलक वर्ग होता है। उसके बाद हम आपको सूत्र बताया था, वो लगाना है एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो वटे टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुना एच। एल वन क्या होता है? वर्ग की निम्न सीमा। एच क्या होता है? वर्ग अंतराल। एफ वन क्या होता है? वर्ग की बारंबारता। एफ जीरो क्या होता है? वर्ग से पूर्व की बारंबारता। F2 वर्ग से बाद की बारंबारता। तो देखिए प्रश्न नंबर एक, वर्ग पांच से पंद्रह पंद्रह से पच्चीस पच्चीस से पैंतीस पैंतीस से पैंतालीस पैंतालीस से पचपन पचपन से पैंसठ बारंबारता छह ग्यारह इक्कीस तेईस चौदह पांच इसमें हमसे बहुलक एवं मात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए बेटा? बहुलक एवं मात। तो आप मात निकालना तो सीख ही चुके हैं, तो मात तो आप स्वयं निकालोगे। मैं आपको इसमें बहुलक निकालना बता रहा हूं। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता देखी जाती है। देखिए बेटा सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है इसमें? 23। इसके आगे अपन ने क्या लगा दिया? निशान। अर्थात हमको हमारा बहुलक फिक्स नहीं मिला, पर इतना पता लग गया कि हमारा बहुलक 35 से और 45 के मध्य है। हम लिखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता बराबर 23। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है बेटा? 23। इसलिए बहुलक वर्ग, बहुलक नहीं, बहुलक वर्ग क्या आया बेटा? 35 से 45। अर्थात हमको पता लग गया जो हमारा बहुलक आएगा वो 45 से छोटा होगा, और 35 या 35 से बड़ा होगा। तो वर्ग में हमको दो मान मिल गए, L1 बराबर 35। L1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। और एक मिल गया वर्ग अंतराल, कितना है? 10। अब हम बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक बराबर
एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे टू एफ वन एफ जीरो एफ टू गुना एच। इसके पश्चात इस सूत्र से हम बहुलक ज्ञात करेंगे। अब देखिए आपके पास कौन कौन से मान हैं। एल वन का मान कितना है 35, एच का मान कितना है 10। अब क्या रह गए, तीन मान रह गए आपके पास, एफ वन एफ जीरो और एफ टू। जहां आपने निशान लगाया है वो एफ वन है, उससे ऊपर वाला और नीचे वाला एफ टू है। देखो बेटा एफ जीरो एफ वन और एफ टू निकालना आया कि नहीं आया। अब जमा दीजिए आप एल वन 35 प्लस एफ वन 23 माइनस एफ जीरो 21 बटे दो गुना 23 माइनस गुना 10। तो उस बोर्ड मास के नियम के हिसाब से सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करेंगे। क्या हल करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट हल करेंगे 35 प्लस 23 में से 21 घटाओ 2, 23 दूना 46 हो गया, गुना कर लिया। और ये दोनों माइनस के हैं, कितने हो गए माइनस के 35, कितना बच गया बेटा 11 गुना 10। अब अपन गुना हल करेंगे। क्या हल होगा अब बेटा, गुना हल होगा तो 35 प्लस 10 दूनी 20 बटे 11, 35 प्लस 20 में कितने का भाग दे लीजिए 11 का दे लीजिए, 11 एकम कितना बचा, पॉइंट लगाओ जीरो बढ़ाओ 11 8 कितना बचा बेटा 0, 11 एकम कितना बचा, आधे से ज्यादा बच रहा है तो एक को क्या कर लूं मैं, दो कर लूं, तो क्या हो गया 1.82 कितना आ गया बेटा 36.82। देखिए हमारा वर्ग किस में था, वर्षों में, कितने किस में था बेटा वर्षों में, तो उत्तर क्या आएगा वर्ष। बोलिए बहुलक समझ में आया कि नहीं आया भाई, 11 का आधा कितना होता है 5.5, तो 5.5 तक मतलब 8 होता तो भी एक बढ़ जाता, 7 होता एक बढ़ जाता, 6 होता एक, 4 होता तो 81 रहता, मतलब जिसका भाग दे रहे हैं ना उसके आधे से ज्यादा शेष बचता है तो बढ़ा देते हैं। उतारिए बेटा,
देखिए इसमें अपन से मात भी पूछा गया है। क्या पूछा गया है बेटा? मात। तो मात आप स्वयं करोगे। देखिए अगला सवाल। प्रश्न नंबर दूसरा, देखिए वर वर क्या है अपना बोलना बेटा। जीरो से बीस, बीस से चालीस, चालीस से साठ, साठ से अस्सी, अस्सी से सौ, सौ से 120, बारंबारता 10, 35, 52, 61, 38, 19। तो देखिए बेटा अपन को इसमें बहुलक निकालना है। क्या निकालना है बेटा? बहुलक। तो बहुलक के लिए सबसे पहले हमको सबसे बड़ी बारंबारता देखनी है। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है अपनी? 61। तो हम लिखेंगे यहां पर सर्वाधिक बारंबारता 61 है, अतः बहुलक वर्ग। फिक्स बहुलक तो नहीं पता चला पर वर्ग का पता चल गया। बहुलक वर्ग क्या आएगा हमारा? 60 से 80। अर्थात हमारा जो उत्तर आएगा वो 60 या 60 से अधिक 80 से कम आएगा। तो L बराबर कितना हो गया? 60। और H बराबर कितना हो गया? 20। बहुलक का सूत्र लिखिए बेटा। बहुलक बराबर
एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो वटे टू एफ वन एफ जीरो माइनस गुना एच। अब हमारे पास एफ के मान नहीं है, जो निशान वाला है वो वन है, ऊपर वाला है जीरो है, नीचे वाला है टू है। जमाइए सूत्र के मुताबिक मान, एल वन का मान 60 प्लस एफ वन का मान 61 माइनस 52 वटे दो गुना 61 माइनस 52 माइनस 38 गुना 20। जम गए सारे मान। तो सबसे पहले अपन को ब्रैकेट हल करना है। सबसे पहले हमको ब्रैकेट हल करना है। बढ़ जाया करें तो देखिए बेटा, साठ प्लस 61 में से 52 घटाओ, क्या बचा बेटा 9 बटे 61 का गुना 2 से कीजिए 122। 52 और 38 90 हो गए, 90 लेस कर दीजिए क्या बचा बेटा 32 गुना 20। अब हमको सबसे पहले गुना हल करना है। क्या हल करना है बेटा? गुना हल करना है। तो 4 से काट लें इसको, 4 से काटिए, 8 चौका 32 और 5 चौका 20। बड़ी समस्या है तो सवाल ना। अब आगे हल करें बेटा, 60 प्लस 9 पंजे 45 वटे 8। अब हमको भाग हल करना है, क्या हो गया 60 प्लस 8 का भाग 45 में दीजिए, 5 बार गया 8 × 40 कितना बचा बेटा 5, 0 पॉइंट लगा दिया, 8 × 48 2 बचे, 8 × 2 = 16 4 बचा 58 × 40 कहने का मतलब 65.5 जुड़ जाएगा 60 में 65.62। देखना वर्ग किस में है हमारा, घंटों में। पूरा लिखना चाहते हो तो पूरा लिख दीजिए, उतारिए।
प्रश्न नंबर तीसरा, व्यय दे रखा है रुपयों में तो हमको उत्तर में रुपये लिखना है, ध्यान रखना है इस बात का। वर्ग है एक हजार से 1500 से 2000, 2000 से 2500 से 3000, 3000 से 3500 से 4000, 4000 से 4500, 4500 से 5000, ये अपना वर्ग है। परिवारों की संख्या चौबीस, चालीस, तैतीस, अट्ठाईस, तीस, बाईस, सोलह और सात, बहुलक एवं मात्र ज्ञात कीजिए। इस सवाल में हमको कितने सवाल करने हैं? दो सवाल करने हैं, बहुलक निकालना है और माध्य निकालना है। तो मैं आपको बहुलक निकाल के बता रहा हूं, माध्य आप स्वयं निकालोगे। तो सबसे पहले हम सबसे बड़ी बारंबारता देखें कौन सी है। देखिए इसमें सबसे बड़ी बारंबारता 40 है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 40, इसलिए बहुलक बार कौन सा आया बेटा? 1500 से 2000। तो L का मान कितना हो गया? L का मान क्या हो गया? 1 बराबर 1500, H बराबर 500, F1 बराबर 40, 0, F2। अब अपन बहुलक का सूत्र लिखें, बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे माइनस माइनस गुना एच। अब सभी मान अपने पास हैं,
सूत्र के मुताबिक अपन मानों को जमा दें, एल वन की जगह कितना रख दूं बेटा, प्लस एफ वन का मान माइनस बटे दो गुना चालीस माइनस चौबीस माइनस तैतीस गुना 500। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा, ब्रैकेट को हल कीजिए, 1500 प्लस 1500 प्लस 40 में से 24 घटाओ 16 बटे, देखिए 40 का गुना 2 से किया कितना हो गया बेटा 80, और 24 माइनस कर 33 माइनस का तो कितना हो गया 57, कितना बच गया बेटा 23 गुना 500। अब कट तो है ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें गुना कर लें, 1500 प्लस कितना हो गया बेटा 8000 बटे 23, 1500 प्लस 8000 में आप 23 का भाग दीजिए, चलो दीजिए 8000 में 23 का भाग दीजिए, आठ हजार में 23 का भाग दीजिए, आप दे लोगे या मैं दे के बताऊं भाग, चलो आपसे भाग नहीं आते हैं तो मैं बताता हूं, 8000 में किसका भाग देना है बेटा 23 का, कितनी बार गया 3 बार, कितना आ गया बेटा 69, कितना बचा 11 0। अब कितनी बार के लगभग जाएगा 4 के लगभग जाएगा, 4 3 12 को 2 का हासिल लगी 1, 4 2 8 और 1 9 कितना बचा 8, 1 18 उतार ली 0, अब जाएगा शायद 7 के लगभग, 7 3 21 2, 7 2 14 2 16 कितना बच गया बेटा 9 और 1 19, यहां पॉइंट लगाओ, यहां 0 बढ़ाओ, कितने के लगभग गया 8 के लगभग, 8 3 24 2 बचा, 8 2 16 2 18 कितना बचा बेटा 6 0, एक बार और दे लो 23 2 46
कितना बचा? 14, आधे से ज्यादा बच रहा है, तो इसको कितना कर लो बेटा? 3। कितना आया? 347.83। जोड़िए बेटा, तीन सौ सैतालीस पॉइंट तिरासी, 1857.83। वर्ग किसमें है बताओ बेटा? रुपये में। रुपये। इस प्रकार हमारा बहुलक निकल आता है। लाली सवाल गायब है वो। चलिए इसको आप स्वयं कीजिए। उतार लीजिए बेटा। देखिए आगे इसमें इसी प्रकार के 3 सवाल और हैं, तो आपको 3 प्रश्नों में खूब अच्छी तरह बहुलक समझ में आ गया होगा। 3 प्रश्न आप स्वयं हल करोगे और यहां से आगे आपको 1 तारीख से विद्यालय आना है और आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी। धन्यवाद।